बंद निषेध की टीम ने मंगलवार की रात मनियारी टोल प्लाजा के पास शराब की खेप के साथ ट्रक को जब्त किया। 1 करोड़ रुपए की शराब होने का अनुमान है। बंद निषेध की टीम ने ट्रक चालक समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर और जब्त शराब को मनियारी थाना को सुपुर्द किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल मद निषेध इकाई पटना के एडीजी को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से 12 चक्के के ट्रक पर शराब की खेप लाई जा रही है। ट्रक पकड़ने के लिए एसआई विनोद कुमार झा, अभय कुमार, रोशन कुमार, हवलदार अब्दुल कलाम, सिपाही कुमार, गौरव सिपाही, दीपक कुमार की टीम बनाई गई। मनियारी टोल प्लाजा के पास से ट्रक का पीछा कर घेरा गया। ट्रक पर कीमती शराब लदी थी। मध्य निषेध इकाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चलकर एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। डकाना इसमें बना हुआ था। खोल के देखने पर शराब बरामद हुआ जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिस पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल सर्च के माध्यम से इसकी छानबीन की जा रही है। जो आगे की जो भी सूचना प्राप्त है उस पर छापेमारी की। कितने कार्टून शराब बरामद हुई है? इसी काउंटिंग की जा रही है। बंद निषेध की टीम ने मंगलवार की रात मनियारी टोल प्लाजा के पास शराब की खेप के साथ ट्रक को जब्त किया। 1 करोड़ रुपए की शराब होने का अनुमान है। बंद निषेध की टीम ने ट्रक चालक समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर और जब्त शराब को मनियारी थाना को सुपुर्द किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल मद्य निषेध इकाई पटना के एडीजी को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से 12 चक्के के ट्रक पर शराब की खेप लाई जा रही है। ट्रक पकड़ने के लिए एसआई विनोद कुमार झा, अभय कुमार, रोशन कुमार, हवलदार अब्दुल कलाम, सिपाही कुमार, गौरव सिपाही, दीपक कुमार की टीम बनाई गई। मनियारी टोल प्लाजा के पास से ट्रक का पीछा कर घेरा गया। ट्रक पर कीमती शराब लदी थी। मद्य निषेध इकाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चलकर एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। डकाना इसमें बना हुआ था। खोल के देखने पर शराब बरामद हुआ जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिस पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल सर्च के माध्यम से इसकी छानबीन की जा रही है। जो आगे की जो भी सूचना प्राप्त है उस पर छापेमारी की। कितने कार्टून शराब बरामद हुई है? इसी काउंटिंग की जा रही है। बंद निषेध की टीम ने मंगलवार की रात मनियारी टोल प्लाजा के पास शराब की खेप के साथ ट्रक को जब्त किया। 1 करोड़ रुपए की शराब होने का अनुमान है। बंद निषेध की टीम ने ट्रक चालक समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर और जब्त शराब को मनियारी थाना को सुपुर्द किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल मद्य निषेध इकाई पटना के एडीजी को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से 12 चक्के के ट्रक पर शराब की खेप लाई जा रही है। ट्रक पकड़ने के लिए एसआई विनोद कुमार झा, अभय कुमार, रोशन कुमार, हवलदार अब्दुल कलाम, सिपाही कुमार, गौरव सिपाही, दीपक कुमार की टीम बनाई गई। मनियारी टोल प्लाजा के पास से ट्रक का पीछा कर